हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम मार्कोनिकोफ्स रूल पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट दिस मार्कोनिकोफ्स रूल। स्टूडेंट्स, ये जो मार्कोनिकोफ्स रूल है, इट इज़ अबाउट द एडिशन ऑफ एल्कीन्स टू हैलोजन एसिड्स। जब हम एल्कीन्स को हैलोजन एसिड्स में एडिशन करते हैं तो ये रिएक्शन फॉलो होती है। So, alkenes are double bonded and when halogen acid is added to this alkene, they convert it into single bonded alkanes. Yeh single bonded alkanes mein convert ho jate hain students, alkanes mein convert ho jate hain. To, yahan hum alkenes ko alkanes mein convert kar rahe hain by the addition of HX. So, this type of reaction is also called addition reaction. Students, इसे हम addition reaction भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हम alkenes को alkanes में convert कर रहे हैं by adding this hydrogen acid, halogen acid. ठीक है students? So, next important point is these Markovnikov's rule is only followed in the case of unsymmetrical alkenes. Students, ध्यान दीजिए यहाँ पर only unsymmetrical alkenes के केस में ही ये reaction, ये rule follow होती है. Okay? So students, मैं आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि ऐसा क्या है कि ये rule only unsymmetrical alkenes ही follow करते हैं. So let's start our today's lecture. Students, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, what happens when alkenes are added to this halogen acids. So, पहले हम लोग एक example लेंगे symmetrical alkene का. So, let's start with our symmetrical alkene. हम लोग symmetrical alkene का example ले लेते हैं एक. Now, students, मैं आपको ये भी बताती हूँ कि symmetrical और unsymmetrical में क्या difference है. So, students, ये देखिए, ये मैंने एक example लिया है यहाँ पर. This is ethene. मैंने एग्जांपल ले लिया है यहाँ पर इथीन. ठीक है, नाउ इस कार्बन के दोनों साइड पर, ये जो दोनों कार्बन हैं बीच में जो पाई बॉन्ड बना रहे हैं, इनके साइड्स पर जो ग्रुप्स अटैच्ड हैं, इनके साथ जो ग्रुप्स अटैच्ड हैं, दे आर सेम, दे आर सिमिलर, इक्विवेलेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं. सो दैट्स वाई इट इज अ सिमेट्रिकल एल्कीन. ठीक है, इसमें यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, चारों तरफ हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, तो ये एक सिमेट्रिकल एल्कीन है स्टूडेंट्स. ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन अगर हम इसमें एक हैलोजन एसिड्स जैसे कि HBr का एडिशन करते हैं एल्कीन्स में, तो क्या होता है? सो स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले ये समझिए कि दिस ब्रोमीन, ये जो ब्रोमीन है हमारा, हमें पता है कि ये ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इसके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव कैरेक्टर हो जाता है स्टूडेंट्स. एंड बिकॉज ऑफ दिस, ये किसी जो हाइड्रोजन है, जो ये पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन है, ये किसी ऐसे ग्रुप को जाकर अटैक कर सकता है जो कि एक नेगेटिवली चार्ज ग्रुप होगा. ठीक है स्टूडेंट्स, इतना समझ आया? ओके, अब आगे देखिए. नाउ ये जो कार्बन है जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, दिस कार्बन इज शेयरिंग टू पाई इलेक्ट्रॉन्स विद द, दीज टू कार्बन आर शेयरिंग टू पाई इलेक्ट्रॉन्स. नाउ अब इस कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा और हेट्रोलाइटिकली ब्रेक होगा और हमें पता है कि जब भी बॉन्ड हेट्रोलाइटिकली ब्रेक होता है तो उसके ऊपर, कार्बन के ऊपर चार्जेस आ जाते हैं, कटायन और अनायन फॉर्मेशन हो जाती है. तो जब इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के ऊपर मूव करेंगे सो दिस कार्बन विल हैव नेगेटिव चार्ज और जो दूसरा कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर दोनों कार्बन के ऊपर, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया. अब स्टूडेंट्स, इस केस में जो हमारे ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन है, ये अब अटैक कर सकता है इस नेगेटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर क्योंकि ये यहाँ पर ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो उसको अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए ये एक नेगेटिवली चार्ज ग्रुप ढूंढेगा, तो ये इस कार्बन के ऊपर अटैक कर सकता है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस कार्बन के ऊपर जब ये अटैक करेगा तो ये क्या फॉर्मेशन करेगा? देखिए,
Now the carbon which was having negative charge, so ये hydrogen इसके ऊपर attack कर रहा है. हम इसको येलो कलर से शो कर देते हैं. सो ये हाइड्रोजन इस कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स. एंड दिस नेगेटिवली चार्ज्ड ब्रोमीन, दिस विल अटैक ऑन द अदर कार्बन विच वाज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ दिस ब्रोमीन विल बी अटैच्ड बाय दिस कार्बन, ठीक है. सो यहां हम देख रहे हैं कि ये एल्कीन जो कि एक डबल बॉन्डेड एक कंपाउंड था, बाय द एडिशन ऑफ एच बी आर वो किस में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट्स, वो सिंगल बॉन्डेड एल्केन्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स. सो इसीलिए हम इन रिएक्शंस को एडिशन रिएक्शंस बोलते हैं, ओके स्टूडेंट्स. सो दिस वॉज इन द केस ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन्स. अब ये सिमेट्रिकल एल्केन है, सो इसमें हाइड्रोजन किसी भी कार्बन पर जाकर अटैक हो सकता था. जो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज है वो इस तरफ भी हो सकता था, लेफ्ट कार्बन पर भी हो सकता था. सो उसमें कोई ऑप्शन नहीं था, एंड हमारा जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर भी आकर अटैच हो सकता था. बट व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स. नाउ स्टूडेंट्स अब मैं आपको बताऊंगी अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में क्या होता है. नाउ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स होते क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं हम. सो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ प्रोपीन का. सी यहाँ पर एक इस डबल बॉन्डेड ये जो कार्बन्स हैं इनके लेफ्ट साइड एक हमने मिथाइल ग्रुप लगाया, एक हाइड्रोजन लगाया, और इस कार्बन के जो ग्रुप्स हैं वो हैं दोनों हाइड्रोजन. सो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं इन दोनों कार्बन्स के जो ग्रुप्स अटैच्ड हैं इनके साथ में वो इक्विवेलेंट नहीं है, वो सिमिलर ग्रुप्स नहीं है, इसीलिए हम इस टाइप के कंपाउंड को हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स बोलते हैं स्टूडेंट्स. सो अब क्या होगा अगर हम इसके साथ एच बी आर का एडिशन करें, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एडिशन करें. सो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एडिशन करने से सिमिलर टाइप ऑफ एल्केन बनना चाहिए. तो हमारे पास यहाँ पे अब जैसा मैंने आपको पिछले केस में भी बताया था कि हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होता है, इस जो कार्बन 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 डबल बॉन्ड है इसका हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होता है. सो लेट अस सपोज कि हेट्रोलाइटिक क्लीवेज इस कार्बन के ऊपर हुआ लाइक दिस, और कार्बन के ऊपर जो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया एंड इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स. सो इस केस में हाइड्रोजन अटैक करेगा किसके ऊपर, हाइड्रोजन बिकॉज इट इज पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज्ड, सो ये अटैक करेगा किसके ऊपर, इस नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन के ऊपर, ठीक है स्टूडेंट्स. सो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, हमारा वो प्रोडक्ट होगा दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड. यहाँ पर CH3 है, जो सेकेंड कार्बन है इसके ऊपर हाइड्रोजन का अटैक हुआ है तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, और दूसरे कार्बन के ऊपर ब्रोमीन अटैच हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है. बट अगर हेट्रोलाइटिक क्लीवेज दूसरे तरीके से होता, सो अब हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं. सपोज करो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता, अगर हेट्रोलाइटिक क्लीवेज इस तरीके से होता, ठीक है स्टूडेंट्स. तो कैसा कंपाउंड फॉर्मेशन होता, जो कंपाउंड बनता वो कुछ ऐसा होता जिसमें ब्रोमीन, ये यहाँ पे हमारा मिथाइल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन, जिसमें ब्रोमीन अटैच होता इस कार्बन के ऊपर बिकॉज ये पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन था, ठीक है. इस पे ये जो ब्रोमीन है नेगेटिवली चार्ज्ड, ये ब्रोमीन इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर जाकर अटैच होता, एंड दूसरा जो हमारा हाइड्रोजन है वो अटैच होता इस कार्बन के ऊपर, ठीक है स्टूडेंट. सो नाउ द क्वेश्चन इज, इन दोनों कंपाउंड्स में से जो हमारे पास दो एल्कीन्स जो एल्केन्स यहाँ पर हमारे पास दो कंपाउंड्स बने हैं, इन दोनों में से कौन सा कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा कंपाउंड मोर फेवरेबल है, ठीक है. हम लोग ये देखेंगे, हम लोगों को ये समझना है. सो इसको समझने के लिए हमें स्टूडेंट्स इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इनकी
स्टेबिलिटी को हमें देखना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले अब हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे। सो इन द फर्स्ट स्टेप द एल्कीन दिस प्रोपीन इज रिएक्ट्स विद द हाइड्रोजन आयन, एंड जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया है इन दिस रिएक्शन हेटरोलाइटिकली ये डबल बॉन्ड क्लीव होता है। सो अकॉर्डिंग टू द क्लीवेज एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और एक कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। सो लेट अस सपोज हमारा हाइड्रोजन सबसे पहले इस कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है। सो द इंटरमीडिएट दैट विल बी फॉर्म्ड विल बी दिस काइंड ऑफ इंटरमीडिएट विल बी फॉर्म्ड जिसमें जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करने के बाद यहाँ पर अटैच हो जाएगा और जो दूसरा कार्बन है उसके ऊपर स्टूडेंट्स पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये एक कार्बोकेटायन बन जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कार्बोकेटायन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। ठीक है, तो अब सेकेंड जो हमारा इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या बनेगा स्टूडेंट, अगर हाइड्रोजन इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है तो क्या इंटरमीडिएट बनेगा। लेट अस सी, जो इंटरमीडिएट हमारा बनता है वो कुछ ये होगा एंड हमारे इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन आ जाएगा और दूसरे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स दिस कार्बोकटायन इज प्राइमरी कार्बोकटायन, दिस इज प्राइमरी कार्बोकटायन। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये प्राइमरी कार्बोकटायन एक बना, एक सेकेंडरी कार्बोकटायन बना। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब हमें इन कार्बोकटायन्स की रिलेटिव स्टेबिलिटी को समझना पड़ेगा इस रिएक्शन के मोर फेवरेबल प्रोडक्ट को जानने के लिए। ठीक है, तो हम इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी को समझते हैं। सो सी दिस सी एच सेकेंडरी कार्बोकटायन जिसके एक साइड पर मिथाइल ग्रुप है और दूसरी साइड पर भी एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, दिस इज सेकेंडरी कार्बोकटायन। और जो हमारा दूसरा कार्बोकटायन है वो है प्राइमरी कार्बोकटायन, दिस काइंड ऑफ कार्बोकटायन जिसके पास इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये है हमारा प्राइमरी और ये है हमारा सेकेंडरी कार्बोकटायन। नाउ इन इन द केस ऑफ दिस सेकेंडरी कार्बोकटायन इसके दोनों साइड पे इसके साथ में जो मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट, ये जो मिथाइल ग्रुप्स आप देख रहे हो इसकी वजह से इसको हम सेकेंडरी बोलते हैं। ठीक है, जितने नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप्स होते हैं उसकी उतनी उसकी डिग्री हो जाती है। जैसे यहाँ पर इसके पास एक अल्काइल ग्रुप है तो इसकी 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अभी जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर, हमें पता है कि कार्बन एक 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन के पास एंड वो 4 बॉन्ड्स बनाता है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। नाउ इट इज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि ये अनस्टेबल है, इसके पास एक वैकेंसी है। सो अगर कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट हो इसके साथ में जो इसको स्टेबलाइज कर पाए तो ये ग्रुप, ये कार्बन स्टेबल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इसके इस सेकेंड सेंटर में जो ये कार्बन है जिसके पॉजिटिव चार्ज है इसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। ये अल्काइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, ये इसको इलेक्ट्रॉन्स देकर स्टेबलाइज करते हैं। ठीक है, ये इसको इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं बाय द इफेक्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, सो ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेंगे ये दोनों मिथाइल ग्रुप्स और ये इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो जितने ज्यादा नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप्स होंगे किसी कार्बोकटायन के सराउंड उतनी ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि उस केस में उतना ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस सेकेंडरी कार्बोकटायन बिकॉज इसके दोनों साइड में 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं तो इसमें मोर हाइपर कॉन्जुगेशन है एज कंपेयर टू दिस प्राइमरी कार्बोकटायन। यहाँ पे ओनली स्टूडेंट्स 1 अल्काइल ग्रुप है, ओनली ये वाला। ठीक है, सो इस केस में जो हाइपर कॉन्जुगेशन होगी, जो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन है वो लेस हाइपर कॉन्जुगेशन है। ये जो अल्काइल ग्रुप है इस
पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को इस कार्बोकेटायन को ज्यादा स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा है। यहाँ क्योंकि इसके पास दो साइड तो हाइड्रोजन है और एक इसके पास अल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ पर इसमें लेसर अमाउंट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन है, सो ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से दिस प्राइमरी कार्बोकेटायन इज लेस स्टेबल, दिस प्राइमरी कार्बोकेटायन इज लेस स्टेबल। ठीक है, ये लेस स्टेबल है। एंड ये जो हमारा सेकेंडरी कार्बोकेटायन है ये मोर स्टेबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकेंडरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, सो इस सेकेंडरी कार्बोकेटायन की ज्यादा स्टेबल होने की वजह से ये जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा वो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, सो अब सेकेंड स्टेप हम लोग देखते हैं, सेकेंड स्टेप क्या होता है। नाउ द स्टेप टू इज द अटैक ऑफ द ब्रोमाइड आयन ऑन दीज कार्बोकेटायन। ठीक है स्टूडेंट्स, ब्रोमाइड आयन अटैक करेगा इन कार्बोकेटायन्स के ऊपर। सो ये जो कार्बोकेटायन है हमारे, ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन और एक हमारा है प्राइमरी कार्बोकेटायन। ठीक है, तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन और ये प्राइमरी कार्बोकेटायन, अब इनके ऊपर अटैक होगा ब्रोमाइड आयन का। सो ब्रोमाइड आयन विल अटैक ऑन द दिस सेकेंडरी कार्बोकेटायन एंड यहाँ पे भी ब्रोमाइड आयन का अटैक होगा इस कार्बोकेटायन के ऊपर, एंड जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी दोनों केस में वो क्या होंगे हमारे, ये वाले प्रोडक्ट्स जो हम लोगों ने इनिशियली बनाए थे। तो देख लेते हैं इनको एक बार और। सो इस केस में जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा स्टूडेंट, वो बनेगा कुछ ऐसा जिसमें जो हमारा ब्रोमाइड आयन है वो इस पोजीशन पर होगा, सेकेंड पोजीशन पर होगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो बिकॉज ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन से बन रहा था, ये जो हमारा कार्बोकेटायन था ये एक सेकेंडरी कार्बोकेटायन था जो कि ज्यादा स्टेबल होता है, मैंने आपको अभी बताया। एंड इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, जिसमें जो प्राइमरी कार्बोकेटायन से बनेगा वो हमारा प्रोडक्ट होगा जिसमें फर्स्ट कार्बन के ऊपर ब्रोमाइड आयन का अटैक हो रहा है। ये 1 ब्रोमो प्रोपेन एंड दिस इज 2 ब्रोमो प्रोपेन। सो ये बनता है बाय द अटैक ऑफ ब्रोमाइड आयन ऑन दिस फर्स्ट कार्बन। ठीक है स्टूडेंट्स, सो जैसा हमने मैंने आपको बताया, पहले ये प्राइमरी कार्बोकेटायन था और ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन था, तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा ये ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा स्टूडेंट्स, और मोर फेवरेबल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, सो इन द केस ऑफ एनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, यहाँ जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है दिस प्रोडक्ट विल बी अ मेजर प्रोडक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा वो माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस मार्कोनिकोफ रूल, द नेगेटिव पार्ट अटैचेस टू दैट कार्बन विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। सो ये जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होंगे उस कार्बन पर जाके हमारा नेगेटिव पार्ट अटैच होता है। सो इस स्टेटमेंट का मतलब यही है कि जैसे इस कार्बन के ऊपर, जैसे आप लोग इस कार्बोकेटायन में देखिए, यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर ओनली 1 हाइड्रोजन है यहाँ पे। ठीक है, एंड इस प्राइमरी कार्बोकेटायन में यहाँ पर इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन्स है। सो इन दोनों में से जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं उसी के ऊपर ब्रोमाइड आयन का अटैक होगा। और वो आप समझ गए होंगे कि क्यों होगा, क्योंकि जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होंगे ऑब्वियसली उसके साथ ज्यादा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए होंगे और वो एक स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्मेशन करेगा, और जहां ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं वो एक
लेस स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन करेगा, जिसकी वजह से उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा और सेकेंडरी कार्बोकैटायन का जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस वॉज मार्कोनिकोफ्स रूल। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।